हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपका हिंदी का क्लास लूँगी, तो सारे बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तकें निकालें। जिन बच्चों ने पुस्तकें ले ली हिंदी की, वो हिंदी की पुस्तकें निकालें और पेज संख्या 13 को खोलें। आ की मात्रा, आज हमारा क्या टॉपिक है, शीर्षक क्या है? आ की मात्रा। आज मैं आपको आ की मात्रा के बारे में पढ़ाऊँगी। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी, पेंसिल और इरेजर लेके बैठ जाएं। कॉपी हिंदी की कॉपी, इज दैट क्लियर? आज मैं आपको आ की मात्रा पढ़ाऊँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? चार वर्णों से बने बिना मात्रा वाले शब्द। अब हमें मात्रा लगा के सब पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आ की मात्रा पढ़ेंगे। ओके, सब अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग दे दीजिए आ की मात्रा। ओके, आ की मात्रा में मात्रा ये रहा, ठीक है? इसको हम लोग मात्रा बोलते हैं। क में आकार की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? का। ख में आ की मात्रा लगाएंगे तो खा। ग में आ की मात्रा लगाते हैं तो गा। घ में आ की मात्रा लगाते हैं घा। जैसा कि हमें पता है अंग से कुछ नहीं होता, तो अंग हम नहीं लिखेंगे। हम फिर किसे कंटिन्यू करेंगे? च। च में आकार की मात्रा चा। छ में आकार की मात्रा छा। ज में आकार की मात्रा तो जा। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखते जाओगे। झ में आकार की मात्रा झा। ओके, क में आकार की मात्रा का, ख में आकार की मात्रा खा, ग में आकार की मात्रा गा, घ में आकार की मात्रा घा, च में आकार की मात्रा चा, छ में आकार की मात्रा छा, ज में आकार की मात्रा जा, झ में आकार की मात्रा झा। हमें ये पता है इया से कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे इया नहीं लिखेंगे, ठीक है? नाउ, ट में आकार की मात्रा टा। ठ में आकार की मात्रा ठा। ओके, ड में आकार की मात्रा डा। ये क्या हो गया? डा। डा, डा में आकार की मात्रा हमने लगाया तो क्या हो गया? डा। ढ में आकार की मात्रा ढा, ठीक है? इसको आप लोग लिखोगे। क में आकार की मात्रा का, ख में आकार की मात्रा खा, ग में आकार की मात्रा गा, घ में आकार की मात्रा घा, च में आकार की मात्रा चा, छ में आकार की मात्रा छा, ज में आकार की मात्रा जा, झ में आकार की मात्रा झा, ट में आकार की मात्रा ट, ठ में आकार की मात्रा ठ, ड में आकार की मात्रा ड, ढ में आकार की मात्रा ढ। ये आप लोग कॉपी में लिखो। आगे मैं और कंटिन्यू कर रही हूँ। न में आकार की मात्रा ण। ओके, त में आकार की मात्रा ता। ओके, थ में आकार की मात्रा था। द में आकार की मात्रा दा। ओके, ध, ये क्या है? ध में आकार की मात्रा धा। न में आकार की मात्रा ना, ठीक है? प में आकार की मात्रा पा। फ
में आकार की मात्रा फ, ब में आकार की मात्रा बा। हम लोग क्या पढ़े, आकार हो गया बा, ब के साथ अ जोड़ दिए, आ जोड़ दिए तो क्या हो गया बा। ओके, भ में आ की मात्रा प्रोनाउंसिएट करो भा, आ आना चाहिए लास्ट में आ। ओके, म में आकार की मात्रा मा। जब हम क में आकार की मात्रा जोड़ते हैं आ का, ख, ख में आ की मात्रा खा, लास्ट में क्या हमारा स्वर आवाज आता है, साउंड आता है आ का, खा। जब ने आकार लगा दिया तो खा। ग में आकार की मात्रा तो क्या हो जाता है गा। ठीक है, इसी तरह आप लोग यहाँ तक अभी लिखो, इसको मैं अभी रब कर रही हूँ। ओके, एक बार आप लोग सब देख लो और आप लोग लिखोगे। ओके, य में आकार की मात्रा तो क्या हो गया या, र में आकार की मात्रा रा, ल में आकार की मात्रा तो क्या हो गया ला, व में आकार की मात्रा वा। के तालाबेश, ये क्या है तालाबेश, तो उसको हम क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं श, श में आकार की मात्रा श। ओके, दंत स में आ की मात्रा सा, इसको हम क्या बोलते हैं शा। ठीक है, ह में आकार की मात्रा हा। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। फिर छ में आ की मात्रा छ, त्र में आ की मात्रा त्र। ठीक है, ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञ, श में आ की मात्रा श। इस तरह हम आकार आ की मात्रा लगाते हैं तो हमारा शब्द बनता है, अक्षर बनता है। ठीक है, आ की मात्रा लगाया तो हमारा बना। ठीक, इसी तरह अब इधर आइए बुक्स में, न में अकार की मात्रा ना व, तो क्या हो गया नाव। क में आकार की मात्रा, क में आकार की आ की मात्रा का र कार, त में आ की मात्रा ता, ल में आकार की मात्रा ला ताला, छ में आ की मात्रा छ, त में आकार की मात्रा ता छाता। इसी तरह आपको बोल के सब पढ़ना है, क में आकार की मात्रा का ल काल, ख में आ की मात्रा खा ल खाल, ग में आ की मात्रा गा ल गाल, च में आकार की मात्रा चा ल चाल, क की मात्रा, क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला काला, क में आ की मात्रा का, ल में आकार की मात्रा काला, ज में आकार की मात्रा जा, ल आकार ला जाला, न में आ की मात्रा ना ला, ल में आकार की मात्रा ला नाला, छ में आकार की मात्रा छा, ल में आकार की मात्रा ला छाला, क में आ की मात्रा का, ज ल काजल, च में आकार की मात्रा चा व ल चावल,
प में आकार की मात्रा पा ग ल पागल, घ में आकार की मात्रा घा य ल घायल, ब में आकार की मात्रा बा ज, र में आकार की र में आ की मात्रा रा बाजरा, म में म आकार मा ज, र आकार र में आ की मात्रा माजरा, घ में आकार की मात्रा घा घ, र में आकार की मात्रा रा रा घाघरा, ह में आकार की मात्रा हा व, र आक में आ की मात्रा रा हावरा। इस तरह से आपको पढ़नी है। यहाँ देखिए, इस तरह जब आप इसको कंप्लीट से अच्छे से पढ़ लोगे इस चैप्टर को, फिर अपना पेज टर्न करोगे, फिर पढ़ोगे, र में आकार की मात्रा रा, र में म, र र म में आकार की मात्रा मा रमा आ, छ का छा त का ता छाता ला रमा आ छाता ला, र अकार रा ज अकार जा राजा, ब अकार बा ज अकार जा बाजा, ब अकार ब ज अकार जा बाजा, रमा आ छाता ला राजा बजा बाजा बजा, आशा चा चाय बना पास आकर खाना खा अपना ताला इधर ला, रात का खाना बना पालक का साग बना, पालक का साग बना गाजर का हलवा खा, राघव कार चलाकर आया टमाटर तथा गाजर लाया। इस तरह से आपको पढ़नी है। ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको आपको बनानी है। सही सब चुनकर वाक्य को पूरा करना, का क मला कमला, क का कमला, डाय का डैश आया, क्या आया मामा आया कार आया, डैश उठा कर रख क्या बादल उठा कर रखना है या खाट उठा कर रखना है। इस तरह से आपको सबको बनाना है, ये चित्र पहचान के आपको कंप्लीट करना है ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा पढ़ाई जाएगी, और आप लोग आ की मात्रा से पूरा का पूरा याद करना है और बनानी है। जिन बच्चों ने बुक्स ली है वो अपने स्वर ज्ञान की बुक को निकालें। आपका ये भी HW है, ओके, इसको भी आपको बनानी है और याद करनी है। स्कूल ओपन होगी, आप लोग की कॉपी बुक्स सारी चेक होगी। इज दैट क्लियर? जो मैं एक वीक का आप लोग को टाइम देती हूँ, इसका क्या मतलब होता है, आप लोग को पर डे काम करनी है, ओके। ये आप लोग की HW है, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करनी है, ओके। ये तो आपको समझ में आ रहा है, इसको पढ़ना है और पढ़ के सारे को लिखना है। त का ता र तार, को अकार का र कार, अ अकार सॉरी अ, न अकार ना र अनार। ठीक है, सही, ये क्या है, बादल बलवान अखबार। आपको चित्र भी देखनी है, चित्र देख के लिखना और याद करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, राधा बाजा बजा राजा ताला लगा। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ पढ़ के लिखना है, पूरे तक लिखना है। इसमें आपको करनी है, ये चित्र दिया हुआ है, चित्र को देखो और उसके खाली स्थान को लिखना है। चित्र को देखना है और खाली स्थान को लिखना है। ये क्या है, कान, तो कान साफ कर। इस तरह से आपको सब लिखना है। इज दैट क्लियर? ये आपका होमवर्क है और इसको आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपकी HW है। जिनके पास बुक नहीं है, मैं पिक्चर डाल रही हूँ, उसको आप लोग बना लेना। Is that clear? That's for today. Thank you.